चनान ये लीजिए। अब ये मत कहना कि आंसू खुशी के हैं। तुमसे जुदाई के तसव्वुर ने रुला दी। जुदाई? अब तो हमारे मिलाप का वक्त आने वाला है, तुम कह रही हो जुदाई? कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं अरसन जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। और अगर हम उनकी ताबीर पाने की कोशिश भी करते हैं तो वो इतनी बुरी तरह चकनाचूर होते हैं कि उनकी किरचियों से हम खुद जख्मी हो जाते हैं। और फिर इंसान सोचता है मैंने ऐसा ख्वाब देखा है क्यों? ऐसे ख्वाब इतने हसीन होते हैं कि वो ख्वाब ही रहें तो बेहतर होता है। और उन ख्वाबों में से एक ख्वाब मेरी और तुम्हारी शादी भी है। आई एम श्योर तुम्हारा अगला जुमला यही होगा। पूरा हफ्ता लगेगा मुझे तुम्हारी ये फलसफाना और बेरफ बातों को समझने। अच्छा, मेरी बातें बेरफ होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं। वो कौन है हमारी मशहूर राइटर, क्या नाम है उनका? उमैर अहमद। उन्हीं के नॉवेल्स पढ़ती हो तुम और उनके सारे पैराग्राफ चोरी करके तुम मुझे आके सुना देती हो, है ना? अरसल, I'm serious. और है नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तुम्हें लगता है हमारी शादी हो सकती है? For God's sake, हमारी फैमिलीज पॉलिटिकल राइवल्स हैं। Why don't you understand? राइवल्स है नहीं, राइवल्स थे। अब हमारी शादी हो जाने के बाद ये सारी राइवलरी खत्म हो जाएगी। शादी होगी तब। उफ, कोई इंसान इतना नेगेटिव भी हो सकता है? सीरियसली, इसको नेगेटिविटी नहीं, हकीकत पसंद ही कहते हैं। और हकीकत ये है कि मैं नेक्स्ट वीक अपने पेरेंट्स को लेके आपके घर पे आ रहा हूँ। अब तो बस आप उपटन लगाना शुरू कर दीजिए ताकि ये निखार आ जाए, वरना मेरी माँ ये ना कहें कि कितनी बदसूरत लड़की को अपने घर लेके आए हो। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? हाँ नहीं जी, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं। पागल हो तुम।